सबरम अवार्ड के लिए सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि उसके आयोजकों को करण पांडे की तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद। और जैसे कि हर साल कुलदीप जी और उनके एसोसिएट सब मिलके ये अवार्ड कराते हैं, उसी तरह बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम चालू है इस वक्त। आपको अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे? कलाश्री का अवार्ड मिला है, कलाकार को कलाश्री अगर मिल जाए तो वो तो मेरे लिए तो पद्मश्री अवार्ड है, क्योंकि एक कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मुझे कलाश्री का अवार्ड मिला है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे उस सारे भोजपुरिया दर्शकों का जिन्होंने मुझे पसंद किया, जिनके वजह से आज मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू सबरंग, थैंक यू जीविका फिल्म्स, थैंक यू वेरी मच। ये बात करें 2 नवंबर खास है मॉरिशस के लिए, क्योंकि पहला भारतीय जहाज जो वहाँ उतरा था वो 2 नवंबर था, तो प्रवासी घाट पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल 2 नवंबर को, क्या कहना चाहेंगे इस बार भी 2 नवंबर को प्रवासी दिवस? और यहाँ भारत से जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी गए हैं और बाकी काफ़ी लोग गए हैं जो करते हैं। सबसे पहले तो मैं मॉरिशस के सारे हिंदी भाषियों को, उत्तर भारतीयों को, भोजपुरी भाषियों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अलावा अगर सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी भाषी हैं तो मॉरिशस में, वो हमारा एक दूसरा हिंदुस्तान है। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ 2 नवंबर के लिए। 2 नवंबर के लिए समस्त हिंदुस्तान की तरफ से मॉरिशस में बसे हुए सारे भोजपुरिया वासियों को बहुत बहुत बधाई।